परमिंदर सिंह जी जो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं, किसानों की संस्था इफको और क्रिपको में ऊंचे पद पर आसीन रहे हैं। आप पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना में सूचना अधिकारी के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। आप 1995 से 2001 तक नोएडा तथा गाजियाबाद समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया में पत्रकारिता में भी अपना योगदान देते रहे हैं। आजकल आप ऑब्जर्वर ऑफ बिजनेस एंड पॉलिटिक्स एवं ट्रिब्यून पत्रिका के लिए योगदान दे रहे हैं। अब हम चलते हैं इन बच्चों के द्वारा इस रंगारंग कार्यक्रम की ओर। मैं एंकर मनीष को इस कार्यक्रम को आगे ले जाने की अनुमति देती हूँ। प्रत्येक देश में अनेक पर्व मनाए जाते हैं जिसमें कुछ राष्ट्र पर्व कहे जाते हैं। ऐसे पर्वों को प्रत्येक जाति धर्म तथा संप्रदाय के लोग मिलकर मनाते हैं। भारत के राष्ट्रीय पर्वों में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का प्रमुख स्थान है। 15 अगस्त सन 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, परंतु 26 जनवरी सन 1950 को यह गणतंत्र बना, इसलिए 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हम सभी बच्चों ने एकत्र होकर आपकी सेवा में इस दिन को मंगलमय बनाने के लिए ये रंगारंग प्रोग्राम का आयोजन किया है, तो आइए हम सब मिलकर इसका आनंद लें। अब आपके सामने ये बच्चे शेर और खरगोश की मशहूर कहानी पर आधारित ये पपिट शो आपके सामने पेश कर रहे हैं, आइए देखें। एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा और खतरनाक शेर रहता था। वह शिकार करना पसंद करता था। वह रोज एक दो नहीं बहुत सारे जानवरों का शिकार करता था। सभी जानवर उससे डरते थे। उन्हें डर था कि एक दिन इस जंगल में एक भी जानवर नहीं बचेगा। हमें क्या करना चाहिए? हमें शेर के पास जाना चाहिए और इसके बारे में बातचीत करनी चाहिए। इसीलिए डरे हुए जानवर धीरे धीरे शेर की गुफा की ओर बढ़ते हैं। उन्हें देख शेर आश्चर्यचकित हो गया। तुम सब यहाँ क्यों आए हो?
क्या बात है? भालू ने कांपते हुए कहा, महाराज आप लोग जब भी जरूरत जाना सिखा सकते हैं और आपको इसे कभी खाते नहीं, इसके कारण जंगल में बहुत कम जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि इतना खतरनाक है? कैसा खतरा? अगर ऐसा चलता रहा तो सिर्फ आप ही इस जंगल में बचेंगे। महाराज अभी हम सब लोग राज करेंगे। हाँ हाँ, मैं बिना भोजन के नहीं रह सकता। श्रीमान हमारे पास एक योजना है, इसलिए आपको भोजन के लिए घबराने की जरूरत नहीं। प्रतिदिन हम आपको एक जानवर खाने के लिए भेज दिया करेंगे और अब आपको शिकार करने की जरूरत नहीं होगी। शेर ने सोचते हुए कहा, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे तुम्हारी योजना पसंद आई, लेकिन यदि तुम लोग अपना वादा नहीं निभा सके तो तुम सबको मैं मार दूंगा। जंगल के जानवरों पास कोई और उपाय नहीं था, इसीलिए वे सब राजी हो गए और वहाँ से चले गए। उस दिन से रोज एक जानवर को चुनकर शेर को खाने के लिए भेजा जाने लगा। कुछ दिनों के बाद एक खरगोश की बारी आई। खरगोश बहुत छोटा था लेकिन बहुत चतुर भी था। उसने सोचा, मैं इतना मूर्ख तो नहीं हूँ कि शेर का भोजन बनूं। मैं सभी जानवरों की भी सहायता कर सकता हूँ। खरगोश एक गहरी सोच में डूब गया। अचानक वह खुशी से उछल पड़ा और बोला, यह एक अच्छी योजना है और शायद यह काम भी करेगी। वह दोपहर के बाद शेर के पास पहुंचा। शेर बहुत भूखा था, उसने अभी तक कुछ नहीं खाया था। जब उसने खरगोश को देखा तो वह गुस्से से भर गया। शेर बोला, किस मूर्ख ने तुम्हें यहाँ भेजा है? तुम बहुत ही छोटे हो और बहुत देर से आए हो। मैं जंगल के सभी जानवरों को मार डालूंगा। खरगोश सिर झुकाते हुए बोला, महाराज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, कृपया दूसरे जानवरों से गुस्सा ना हो। वे जानते थे कि मैं बहुत छोटा हूँ, इसलिए उन्होंने 5 खरगोश भेजे थे। शेर ने पूछा, तो बाकी 4 कहाँ हैं? हमें रास्ते में एक बड़ा शेर मिल गया जो कि 4 खरगोश को खा गया। वह मुझे भी मारना चाहता था, मैं बहुत मुश्किल से बच निकला। ये सुनते ही शेर गुस्से से भर गया और बोला, दूसरा शेर कहाँ है? वो तुमने उसे कहाँ देखा? खरगोश बोला, महाराज वह एक गुफा में रहता है जो कि जमीन में काफी गहरी है। वह मुझे भी मारना चाहता था। मैंने कहा, श्रीमान आप 4 खरगोश को खा चुके हैं जो कि हमारे महाराज का भोजन था। जब उन्हें यह बात पता चलेगी तब वो गुस्से में आकर आपको मार डालेंगे। उस शेर ने कहा, कौन है तुम्हारा महाराजा? मैंने जवाब दिया, हमारा महाराजा एक बहुत बड़ा शेर है। तो उस शेर ने कहा, उस शेर को मेरे पास लेकर आओ, मैं उसे दिखाऊंगा कि असली राजा कौन है। शेर बोला, वो कहाँ है और दिखाई क्यों नहीं देता? महाराज वह कहीं आपसे डर गया है और छिपा हुआ है। शेर कुएं पर गया और अंदर देखा। उसने अपना ही चेहरा कुएं में देखा और तेजी से दहाड़ने लगा। तू कहां से आ गया? तू कहां से आ गया? मैं इस जंगल का राजा हूँ, मैं इस जंगल का राजा हूँ। खैर बदमाश, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और तभी वह अपनी परछाई को दूसरा शेर समझ कर उसे मारने के लिए कुएं में कूद पड़ा। वह गहरे पानी में गिर गया और मर गया। खरगोश बहुत खुश हुआ, आखिरकार यह खतरनाक शेर मर गया। जब दूसरे जानवरों ने यह सूचना सुनी तो वह खुशी से झूम उठे। वाह भाई खरगोश, तुमने तो कमाल कर दिया। आज से हम तो खतरे से मुक्त हो गए। किसी ने ठीक ही कहा है, आदमी शक्ल से नहीं अकल से बड़ा होता है। खरगोश भाई की जय हो, खरगोश भाई की जय हो। नन्ना सचिन आपके सामने प्रभु से प्रार्थना करता है। हे भगवान, नमस्ते। हे भगवान हम तुम्हारे बच्चे नादन पल्लिकन मने मान, ऐसा दो हमको वरदान। धन्यवाद।
अनिल से कुछ सीखे सीख। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है उत्तुक गिरगी तरह तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुर उमंग। धरती कहती धैर्य न छोड़ो कितना भी हो सिर पे भार, नभ कहता है फैलो इतना धकड़ो तुम सारा संसार। धन्यवाद। अब रहमत हमें एक प्रतिज्ञा कराएंगे जिसका पालन हम सबको करना चाहिए। इंडिया इज माई कंट्री, इंडिया इज माय कंट्री, ऑल इंडियन, ऑल इंडियन, आर माय ब्रदर, आर माय ब्रदर, एंड सिस्टर, एंड सिस्टर, आई लव माय कंट्री, आई लव माय कंट्री, एंड आई एम प्राउड, आई एम प्राउड टू ईट रिच एंड वैरिड, रिच एंड वैरिड हेरिटेज, हेरिटेज, आई शैल ऑलवेज, आई शैल ऑलवेज स्ट्राइव टू बी वर्दी, स्ट्राइव टू बी वर्दी ऑफ ईट, ऑफ ईट, आई शैल गिव, आई शैल गिव रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट टू माय पेरेंट्स, टू माय पेरेंट्स, टीचर्स, टीचर्स एंड ऑल एल्डर, एंड ऑल एल्डर, एंड बिहेव विद, एंड बिहेव विद एवरीवन, एवरीवन विद कर्टेसी, विद कर्टेसी टू माय कंट्री, टू माय कंट्री एंड माय पीपल, एंड माय पीपल इन देयर वेलबीइंग, इन देयर वेलबीइंग एंड प्रॉस्पेरिटी, एंड प्रॉस्पेरिटी अलोन लाइफ, अलोन लाइफ माय हैप्पीनेस, माय हैप्पीनेस। थैंक यू। बरकत आपके सामने 26 जनवरी के विषय में कुछ विचार रखना चाहते हैं, आइए सुने। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही निशान होगा। गणतंत्र दिवस हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को देशवासियों द्वारा मनाया जाता है। इस दिन सन 1950 ईस्वी में हमारे देश में अपना संविधान लागू हुआ था और इस दिन हमारा राष्ट्रीय पूर्ण स्वतंत्र गणतंत्र राज्य बना, अर्थात भारत को पूर्ण प्रभुसत्ता समपक्ष गणराज्य घोषित किया गया। यही दिन हमें 26 जनवरी 1930 का भी स्मरण करता है जब जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। 26 जनवरी का मुख्य आयोजन देश की राजधानी दिल्ली में ही किया जाता है। इस दिन प्रधानमंत्री इंडिया गेट पर शहीद जवानों की याद में प्रज्वलित की गई जवान ज्योति पर सारे राष्ट्र की ओर से सलामी देते हैं और इसके बाद राष्ट्रपति महोदय की आगवाणी प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। रात को राष्ट्रपति भवन और संसद भवन और अन्य राष्ट्रीय स्थलों पर रोशनी की जाती है तथा राष्ट्रपति को तोपों की सलामी दी जाती है और इस प्रकार से धूमधाम से यह त्यौहार संपन्न होता है। धन्यवाद। आज के बच्चों का कहना है कि वे अपने हाथों से अपने तकदीर गढ़ेंगे, तो आइए सुनते हैं शबनम से इन पंक्तियों में अपने नन्हे हाथों से। अपने नन्हे हाथों से हम गढ़ेंगे अपनी तकदीर, बंद हमारे मुट्ठी में है जीवन की तस्वीर। नया राष्ट्र बना सकते हैं, मानो नया बना सकते हैं, हम न रुकेंगे सदा बढ़ेंगे तोड़ बंधनों की जंजीर। हमें न मोड़ो, हमें न तोड़ो, हमें न जंजीरों में जकड़ो, हम भी अनुभव करते हैं अपनी सुख दुख अपनी पीर। हम सबको दिखला देंगे, हम सबको बतला देंगे, नन्हे मुन्ने होकर भी मन के तन के कितने भी। धन्यवाद। नन्हे शिवम की पतंग उड़ती है, जरा देखे तो सरसर सरसर उड़ी पतंग, सरसर सरसर उड़ी पल 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 काटा खूब लगाया रे चपत, अब लड़ने में जीती पतंग। अरे अरे मत बांटो इंसान को, अब हम सब मिलकर ये गाएंगे। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को, मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को, धरती बाटी सागर।
जी। आइए रोहित से कुछ विचार सुने 26 जनवरी के विषय पर। गणतंत्र दिवस हमारे देश में खूब धूमधाम से मनाया जाता है। यह राष्ट्र पर हमारी राजधानी दिल्ली में खास तौर से अहम रखता है, क्योंकि हमारे राष्ट्रपति जी इस दिन इंडिया गेट पर सलामी देते हैं। दूर दूर से लोग यह परेड देखने आते हैं। राष्ट्रपति जी को 21 तोहफों की सलामी दी जाती है। तीनों सेना के फौजी जवान अपनी चमचमाती वर्दी में राष्ट्रपति जी को सलामी देते हैं। वायुसेना के हवाई जहाज आकाश में अपना कर्तव्य दिखाते हुए रंग बिरंगी धुएं से तिरंगा झंडा बनाते हैं। रंग बिरंगी पोशाकों में बच्चों का जुलूस भारत के हर प्रांतों की सुंदरता झांकिया। वहाँ के लोग उन लोगों के अपने स्थानीय नृत्य देखकर ऐसा लगता है जैसे सारा भारत यहाँ इकट्ठा हो गया है। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र राष्ट्र बन गया, यहाँ के सर्वोच्च शासक राष्ट्रपति हो गए। यही हमारा गणतंत्र दिवस है, इसका यही उत्सव है और इस दिन सरकारी भवनों पर भी रोशनी की जाती है। धन्यवाद। देखे मोहिनी के चूहों ने दही बड़ा कैसे बनाया, सारे चूहों ने मिलजुल कर एक बनाया दही बड़ा। 70 किलो दही मंगवाया, फिर बनाया दही बड़ा। दिन भर रहा दही के अंदर, बहुत बड़ा हुआ दही बड़ा। फिर चूहों ने उसे उठाकर दरवाजे पे किया खड़ा। रात दिन दही के अंदर सारे चूहे गाना गाते, मौज बनाते, कभी न घर से बाहर जाते। धन्यवाद। नन्ना लाल सब बच्चों को कह रहा है, जागो बच्चों, अब मत सो। जरा सुने इसकी कविता में, सूरज निकला मिटा अंधेरा। सूरज निकला मिटा अंधेरा, आया मीठी हवा का फेरा। चिड़ियों ने फिर छोड़ा बसेरा, जागो बच्चों, अब मत सो। इतना सुंदर समय न खो। संजय आपको कुछ बताना चाहते हैं, आइए सुने। मेरे देश का नाम भारत है, मुझे अपने देश पे गर्व है। मेरा भारत विश्व का सबसे अच्छा देश है, इनमें आपसी प्रेम और भाईचारों की भावना है। मेरे देश की संस्कृति महान है। धन्यवाद। इन नन्हे मुन्ने बच्चों के दांत कच्चे हैं, लेकिन वे फिर भी लड़ने जाएंगे। जरा इनकी भी सुन ले, हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, दांत हमारे कच्चे हैं। हम भी लड़ने जाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, देश किसान बढ़ाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। चाहे हो काली बरसात, फिर भी ये बच्चे नहीं घबराते हैं। आइए सुने मोहिनी से, चाहे चमके किरण सुनहरी। चाहे चमके किरण सुनहरी, चाहे हो काली बरसात, हंसू हमेशा हृदय खोलकर, हंसू खुशी से मैं दिन रात। धन्यवाद। बिछड़ गए जो साथी, हमें उनकी याद दिलाता है। रोहित से सुने लाल किले की चोटी पर। लाल किले की चोटी पर जब यह झंडा लहराता है, बिछड़ गए जो साथी हमें उनकी याद दिलाता है। कहाँ गए वो भगत सिंह जो आज़ादी के रखवाले थे, फांसी पाकर अमर हुए, देश प्रेम के मतवाले थे। लाल किले की चोटी पर जब यह झंडा लहराता है, बिछड़ गए जो साथी हमें उनकी याद दिलाता है। कहाँ गई वो लक्ष्मी बाई जो झांसी की रानी थी, मैदानों में खून बहाया जैसे बहता हो पानी। लाल किले की चोटी पर जब यह झंडा लहराता है, बिछड़ गए जो साथी हमें उनकी याद दिलाता है। कहाँ गए वो नेताजी जो झंडा लहराया करते थे, बिछड़ गए जो साथी उनकी याद दिलाया करते थे। लाल किले की चोटी पर जब यह झंडा लहराता है, बिछड़ गए जो साथी हमें उनकी याद दिलाता है। धन्यवाद। हम सब देखेंगे अब ये योगा का प्रोग्राम जो नन्ही मोहिनी प्रस्तुत करेगी। इस आसन में दोनों पैर सामने रखिए और दोनों हाथों से घुटनों को पकड़िए और धीरे से माथा घुटनों से लगाना है। इस आसन को 2-3 मिनट होल्ड करके रखिए और धीरे धीरे वापस आइए। दूसरा आसन हल आसन, सीधे लेट जाइए और धीरे धीरे दोनों पैर ऊपर ले जाने हैं और सीधे रखने हैं।
ये है आपका हलासन, इसको 2 या 3 मिनट तक होल्ड करके रखेंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे। यह संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ और इस दिन भारत में गणतंत्र शासन की नींव रखी गई। 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि जब देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजी सत्ता ने लड़ाई चल रही थी, तब 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर देश के नेताओं ने भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता पाने का नारा दिया था, अर्थात सही अर्थों में हम जिसे प्रजातंत्र कहते हैं, जनता के लिए जनता द्वारा जनता पर शासन की गई स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ। इसलिए प्रतिवर्ष हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। धन्यवाद। मेरी छोटी सी किताब उसमें गुलाब रखी है, मेरा चाचा जी का नाम सारा देश को सलाम, वंदे मातरम वंदे मातरम। धन्यवाद। The Republic Day is celebrated on 26 January every year. On this day in 1950, our country became a republic. We got a new constitution. Then the festival is held with great pomp and show at India Gate in New Delhi. Our armed forces with different tanks, aeroplanes, etc. and different groups of children take part in the parade. Thank you. India became a republic on 26 January 1950. This day is celebrated as Republic Day every year. On this day, a parade is held at Rajpath in New Delhi. The President of India takes the salute at the parade. In the parade, tableau, jhankiyas and performance of school children are displayed. In other parts of our country, also parades and flag hoisting are held. Thank you. मेरा देश है बड़ा निराला, तरह तरह के रंगों वाला, गंगा गौरी यमुना काली, शाम सुनहरी भोर उजली, तरह तरह के मौसम आते साथ में ढेरों खुशियाला थे, कभी होली कभी दिवाली कभी तीज है झूलों वाली, बहुत तरह की भाषा बोली पर सब अपने हैं मजोरी। धन्यवाद। फूलों से नित हंसना सीखो, बोलों से नित गाना, चीटी की मेहनत से सीखो मेहनत करके खाना, सूरज भैया से सीखो जगना और जगाना। धन्यवाद। बालक हूँ मैं भैया, नहीं किसी से डरने वाला, उस माई का लाल नहीं जो हो वैसे डरना सिखलाती, उस भाई का भाई नहीं जिसकी छाती दर्द से पड़ जाती, मैं दूसरों से मिलने वाला, मैं दूसरों से लड़ने वाला, बालक हूँ मैं भैया कोमल जो फूल नहीं जो झोंकों से ही मुरझा जाता, उस सहीता का फूल नहीं जो पानी से ही कर जाता, मैं तूफान मचाने वाला आसमान दहलाने वाला, बालक हूँ मैं भैया। धन्यवाद। नाच मुर्गा सबको बाटा, जग गए पंखों को फैलाता, कुकू करके कल मताता, घूम घूम कर नाचता। हम भारत के हैं वीर सिपाही, बड़े रह के नन्हे रहे, कभी नहीं घबराते हैं, आगे नित बढ़ते जाते, झंडा रहेगा हमारा ऊंचा, नहीं होने देंगे नीचा, लड़ने की जो भूल करे करेगा उसे चटा देंगे दूर। बीजेपी तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, हिंदू मुस्लिम ईसाई आपस में हम भाई भाई। अब मैं अनुरोध करूंगी अपने चीफ गेस्ट से अपने हमारे बच्चों को आशीर्वाद दें। बच्चों, पहले तो आप सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश किया है, हर एक बच्चे का उसमें बड़ा अच्छा काम था, कुछ बच्चे अंग्रेजी में बोले, कुछ बच्चे हिंदी में बोले, आपकी देश प्रति जो देश भावना थी वो भी जाहिर हुई, और ये पता चला कि आप काफ़ी दिनों से इसकी तैयारी कर रहे थे। आपके टीचर हैं मधुबाला सचदेवा जी ने बहुत मेहनत की, लेकिन उसके साथ आप सब ने भी उतनी ही मेहनत और लगन से काम किया, और जिसका ये नतीजा निकला कि आज बहुत रंगारंग कार्यक्रम देखा, पपेट का कार्यक्रम देखा, कविताएँ सुनी और बहुत से प्रोग्राम देखे। मैं आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बच्चों, एक बात याद रखो, सबसे प्यारी और सबसे कीमती चीज़ क्या होती है जानते हो? सबसे प्यारे तो होते हैं आपके माँ बाप, उसके बाद आपका देश।
और सबसे कीमती चीज क्या बता सकता है कोई? सबसे कीमती चीज होती है आपका ज्ञान और आपकी विद्या। ये बड़े बड़े मकान या कारखाने कीमती नहीं होते हैं। जिस आदमी के पास ज्ञान है, विद्या है और ऐसे हुनर हैं जैसे आपने अभी प्रस्तुत किए, कोई गाना गा सकता है, कोई डांस कर सकता है, कोई योगा कर सकता है, ये भी ज्ञान है। ये सबसे कीमती इसलिए है कि आपके पास पैसा है, आपके पास गहने हैं, जेवर है, वो तो कोई चुरा सकता है, लेकिन आपका ज्ञान कोई नहीं चुरा सकता। आपके पास जो विद्या होगी आपके दिमाग में, उसको कोई चोरी नहीं कर सकता, ना ही उसका कोई नुकसान होता है, पानी भी उसको गला सड़ा नहीं सकता। तो बच्चों, जो लगन आज आपने इस कार्यक्रम में दिखाई, मैं आपको यही कहूँगा, उसी लगन से आप पढ़ो। मैं जानता हूँ आप में से बहुत से स्कूल भी जाते हो, रामकृष्ण स्कूल में पढ़ते हो, जो नहीं जाते वो कल को 2 महीने 6 महीने के बाद आप भी जाओगे। आप सबको चाहिए लगन से पढ़ो और अच्छे अच्छे नंबर लो और कामयाब हो, क्योंकि आप ये वक्त ऐसा है, ज़माना ऐसा है कि विद्या के बगैर कोई आदमी कामयाब नहीं हो सकता। कामयाब होगे लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हो तो ज़्यादा उसका असर है, वो आपके लिए अच्छा है, आपके परिवार के लिए अच्छा है, कल को आपके बच्चों के लिए अच्छा है। तो पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ दूसरे गुण जैसे आपके टीचर सिखा रही हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, उससे भी आदमी की पर्सनैलिटी जो है उभरती है, मुकम्मल होती है। आपके साथ में आपके माँ बाप को भी बधाई देना चाहता हूँ कि इतने सुशील बच्चे हैं और उन्होंने ये हिम्मत करके इस क्लास में उनको भेजा है, और बहुत सी बातें यहाँ सीखने को मिलती हैं जो आम तौर पर स्कूल में नहीं मिलती है। आप ऐसे ही काम करते रहो, मेरा आपके साथ आशीर्वाद है, आपको मुबारक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्रसन्नता हुई आप सब से मिलकर। थैंक यू, नमस्कार। स्पेशल क्लैप गो। जय